होटल राजमहल एपिसोड 72 गलत फहमियां। विशाल दिव्या को उस मनहूस होटल से बचाकर बाहर तो ले आया है, मगर दिव्या अब भी होश में नहीं है। वो दिव्या को होश में लाने की पूरी कोशिश कर रहा है, मगर उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो रही हैं। इसीलिए आखिर में वो दिव्या और निकिता को लेकर मल्लिका के घर पर चला जाता है। वो दिव्या को उसके कमरे में लिटाता है और फर्स्ट एड किट लाकर उसकी मरहम पट्टी करने लगता है। उसने आज से पहले कभी दिव्या को इतनी बुरी हालत में नहीं देखा है। वो दिव्या का हाथ पकड़कर वहीं उसके पास उसके बिस्तर पर बैठ जाता है। विशाल, तुम इतना परेशान मत हो, मुझे पूरा यकीन है कि दिव्या को जल्दी होश आ जाएगा, निकिता ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। ये सब मेरी ही वजह से हुआ है निकिता, अगर मैं दिव्या को अकेला छोड़कर नहीं गया होता तो ये सब कुछ होता ही नहीं। विशाल को इस वक्त बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। एक तरफ उसका मन दिव्या के लिए बहुत परेशान है और एक तरफ शर्मिंदा। निकिता को यह देखकर बड़ा अजीब लगा और उसने विशाल से कहा, मैं पानी पीकर आती हूं, और इतना कहकर वो उस कमरे से चली गई। निकिता के जाने के बाद विशाल अकेले में बेहोश दिव्या से बातें करने लगा। दिव्या, प्लीज अपनी आंखें खोलो दिव्या, मुझे तुम्हारे बिना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, ये सब कुछ सिर्फ मेरी वजह से हुआ है, आई एम वेरी सॉरी दिव्या, आई एम वेरी सॉरी। इतना कहकर विशाल ने दिव्या के हाथ पर अपना सर झुका दिया और तभी उसे अपने पीछे से मुरली की आवाज आई। अब पछताने की एक्टिंग क्यों कर रहा है? तब तेरा प्यार कहां चला गया था जब तू उस नई लड़की की बाहों में आराम से बैठा हुआ था? हाँ, तब तो इसे अपनी लैला की याद नहीं आई और अब धूम करने चलाया। बंसी ने मुंह बनाते हुए कहा। उन दोनों की बातें सुनकर विशाल की आंखों में आंसू आ गए। मैं नहीं जानता कि निकिता और मेरे बीच जो कुछ भी हुआ वो कैसे हो गया, मगर मैं कभी दिव्या को हर्ट नहीं करना चाहता था। अगर इसे कुछ भी हो गया तो मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। विशाल को इस तरह से रोते और शर्मिंदा होते हुए देखकर मुरली और बंसी थोड़े सकपका गए और उन्होंने कहा, अच्छा अच्छा ठीक है, अब रोना बंद कर दे, तेरी लैला को कुछ ही देर में होश आ जाएगा, चलो यार, ये तो मजाक भी नहीं करने देता। उसके कुछ ही देर बाद मुरली और बंसी वहां से चले गए और निकिता कमरे के अंदर आ गई। निकिता ने देखा कि दिव्या के बेड पर अब भी खून के कुछ दाग हैं, तो उसने विशाल से पूछा, विशाल, ये खून कहां से आया? क्या तुमने दिव्या के सारे जख्मों पर पट्टी नहीं की है? विशाल भी उस खून को देखकर हैरान रह गया और उसने जवाब दिया, ये खून यहां पर कैसे आया? मैंने तो सारे जख्मों पर पट्टी बांधी थी। तभी उसने धीरे से दिव्या को दूसरी तरफ घुमाकर देखा तो उसके कमर से पट्टी के बाद भी खून निकल रहा है। वहां पर एक बहुत गहरा घाव है जिससे खून रिस रहा है। ओह माय गॉड, विशाल, ये तो बहुत गहरा जख्म है, इसके लिए हमें दिव्या को लेकर जल्द से जल्द हॉस्पिटल जाना चाहिए, वहां पर डॉक्टर्स ही इसका अच्छे से इलाज कर पाएंगे। दिव्या की कमर पर यह घाव देखकर विशाल भी काफी ज्यादा घबरा गया, इसीलिए निकिता की बात मानकर वो तुरंत दिव्या को लेकर हॉस्पिटल चला गया। हॉस्पिटल पहुंचते ही विशाल ने तुरंत दिव्या को इमरजेंसी रूम में एडमिट करवा दिया। हॉस्पिटल में इमरजेंसी के कमरे के बाहर निकिता एक चेयर पर बैठ गई, मगर विशाल के चेहरे पर सुकून और चैन दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। वो कभी बेचैनी से उठ खड़ा होता है तो कभी इधर उधर चक्कर काटने लगता है। ये डॉक्टर को अंदर इतना टाइम क्यों लग रहा है? कहीं कुछ सीरियस तो नहीं है? तुम परेशान मत हो विशाल, डॉक्टर दिव्या का अच्छी तरह से ख्याल रखेंगे, निकिता ने विशाल को समझाते हुए कहा। उसी वक्त अचानक से इमरजेंसी रूम का डोर खुला और अंदर से डॉक्टर बाहर आ गए। डॉक्टर साहब, अब दिव्या कैसी है? उसे होश आ गया? कहीं कोई सीरियस बात तो नहीं है ना? विशाल ने तुरंत डॉक्टर के पास जाकर उनसे पूछा। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, अब पेशेंट पूरी तरह से ठीक है, हमने उन्हें स्टिचेस दे दिए हैं,
आज उनका काफी खून बह चुका है और इसलिए उन्हें होश आने में थोड़ा टाइम लग रहा है, मगर कुछ देर के आराम के बाद उन्हें होश आ जाएगा, डॉक्टर ने विशाल को तसल्ली देते हुए कहा। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। डॉक्टर का शुक्रिया अदा करते ही विशाल सीधा भागते हुए दिव्या के इमरजेंसी रूम में पहुंच जाता है, जहां पर वो बेहोशी की हालत में लेटी हुई है। विशाल, तुमने बिल्कुल भी आराम नहीं किया है, इसलिए तुम्हें जाकर कुछ देर सो जाना चाहिए। डॉक्टर ने कहा है कि अभी दिव्या को आराम करने की जरूरत है, इसलिए यहाँ पर तुम्हारा अभी कोई काम नहीं है, तुम भी चलकर आराम कर लो। निकिता ने विशाल को समझाने की कोशिश की, मगर विशाल ने जवाब दिया, मैं एक बार दिव्या को अकेले छोड़कर जाने की गलती कर चुका हूँ, अब मैं वो गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगा। जब तक दिव्या को होश नहीं आ जाता तब तक मैं यही बैठा रहूंगा। लेकिन विशाल, तुम चाहो तो घर जा सकती हो या फिर बाहर जाकर आराम कर सकती हो, मगर मुझे यहां से जाने के लिए मत कहना, क्योंकि मैं यहां से हिलने भी नहीं वाला। जब निकिता ने देखा कि विशाल जिद पकड़कर बैठ गया है तो वो चुपचाप इमरजेंसी रूम से बाहर चली गई। विशाल को पता भी नहीं चला कि वो कितनी देर तक वहां पर बैठा रहा, और तभी अचानक से दिव्या की उंगलियां हिलने लगी। दिव्या! दिव्या को होश में आते देखकर विशाल की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। आज उसकी आंखों में एक अलग ही तरह की चमक आ गई है। वहीं दूसरी तरफ जब दिव्या ने अपनी आंखें खोली तो वो एक हॉस्पिटल में है और विशाल उसके सामने बैठा हुआ है। विशाल को अपने सामने बैठा देखकर दिव्या को ऐसा लगा जैसे अब कोई बुरी ताकत उसका बाल भी बाका नहीं कर सकती। वहीं दूसरी तरफ दिव्या को होश में देखकर विशाल की आंखों में आंसू आ गए और उसने रोते हुए दिव्या से कहा, मुझे माफ कर दो दिव्या, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं उस रात तुम्हें अकेले छोड़कर नहीं गया होता तो ये सब कुछ नहीं होता, ये सब मेरी ही गलती है, प्लीज मुझे माफ कर दो। दिव्या ने काफी मुश्किल से विशाल की बात का जवाब देने की कोशिश की। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो विशाल, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, और अब रोना बंद कर दो, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। लेकिन तुम्हारे साथ कल रात को हुआ क्या था, आखिर तुम उस अंधेरे कमरे में कैसे पहुंच गई और किसने तुम्हें उस कील पर लटका दिया, प्लीज मुझे बताओ दिव्या, मैं जानना चाहता हूं। विशाल, वो कल रात, दिव्या कुछ कहने की कोशिश कर रही है, मगर तभी उसने निकिता को कमरे में घुसते हुए देखा। मुझे ठीक से कुछ भी याद नहीं विशाल, मुझे जैसे ही याद आएगा वैसे ही मैं तुम्हें बता दूंगी। विशाल ने देखा कि निकिता के वहां आते ही दिव्या चुप हो गई है और वो दिव्या का इशारा अच्छे से समझ गया, इसीलिए उसने भी कुछ नहीं कहा। दिव्या के मन में इस वक्त तरह तरह के ख्याल चल रहे हैं। आज उसके साथ जो कुछ भी हुआ था उसे भूल पाना दिव्या के लिए इतना आसान नहीं है। आज वो बहुत आराम से अपनी जान गंवा सकती थी, और वो भी उसी कमरे में जहां पर शायद उसकी बहन का खून हुआ था। और उसकी बहन, उसका क्या, आखिर उसका खून किसने किया और क्यों, उसने किसी का क्या बिगाड़ा था? दिव्या के मन में हजारों सवाल घूम रहे हैं जिनके जवाब उसके पहुंच से बहुत दूर है। लगता है उसकी तलाश कभी खत्म नहीं होगी। थैंक गॉड तुम्हें होश आ गया दिव्या, नहीं तो हमारी तो जान ही निकल रही थी, निकिता ने दिव्या की तरफ देखते हुए कहा, मगर दिव्या ने कोई जवाब नहीं दिया। मैं अभी डॉक्टर से बात करता हूँ कि हम तुम्हें घर कब ले जा सकते हैं, मुझे ये हॉस्पिटल और डॉक्टर बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, मैं तुम्हें जल्द से जल्द घर ले जाना चाहता हूँ। विशाल ने दिव्या की तरफ देखकर कहा और उसके बाद वो डॉक्टर से बात करने के लिए बाहर चला गया। विशाल के बाहर जाते ही निकिता ने कहा, सो सॉरी दिव्या, तुम्हारे साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। वो एक्चुअली जब विशाल मेरी मदद के लिए आया था ना, तब नल ठीक करते हुए मैं पूरी भीग गई थी, तब विशाल मेरे कपड़े बदलने में मदद करने लग गया था, इसीलिए उसे तुम तक पहुंचने में देर हो गई। ये सुनते ही दिव्या को बहुत अजीब लगा, लेकिन उसने निकिता को कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर के बाद जब वो इमरजेंसी रूम में अंदर आया
तो उसने मुस्कुराते हुए दिव्या से कहा, दिव्या डॉक्टर ने कहा है कि तुम पूरी तरह से ठीक हो चुकी हो और तुम्हें सिर्फ आराम की जरूरत है। हम तुम्हें घर ले जा सकते हैं, लेकिन वहां पर भी तुम्हें पूरी तरह से आराम करना होगा। ठीक है विशाल, दिव्या ने थोड़ा गुस्से में विशाल को जवाब दिया और विशाल एक बार फिर उसे अपनी गोद में उठाकर घर ले आया। उसने दिव्या को प्यार से उसके कमरे में लिटा दिया और उससे कहा, तुम्हारी दवाई का टाइम हो गया है, मैं अभी तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूं। और इतना कहकर विशाल दिव्या की दवाई और पानी लेने के लिए कमरे से बाहर चला गया। दिव्या उसे इस तरह से अपना ख्याल रखते हुए देख रही है और उसे बहुत अच्छा लग रहा है। उसे यकीन नहीं हो रहा कि वो कितनी लकी है जो उसके पास विशाल जैसा इंसान है। लेकिन उस बात का क्या मतलब जो निकिता ने उससे कहा। कुछ ही देर में विशाल पानी का ग्लास लेकर कमरे में आ गया और दिव्या को दवाई देते हुए कहा, अब तुम अपनी दवाई लेकर सो जाना। डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारी बॉडी काफी वीक हो गई है और इसीलिए तुम्हें आराम करने की सख्त जरूरत है। अब चलो जल्दी से सो जाओ। लेकिन विशाल मैं, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, मैंने कहा ना कि तुम्हें सोना है तो बस सोना है। चलो अब जल्दी से सो जाओ। विशाल ने दिव्या के सर के नीचे तकिया लगाते हुए कहा, अच्छा बाबा ठीक है, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। और इतना कहकर दिव्या ने अपनी आंखें बंद कर ली। दिव्या को दवाइयों की वजह से काफी गहरी नींद आ गई और जब उसकी आंख खुली तब रात के 9 बज चुके हैं। दिव्या ने अंगड़ाई लेते हुए कमरे की लाइट ऑन की तो उसे वहां पर कोई भी नजर नहीं आया। जरूर विशाल आराम करने के लिए अपने कमरे में चला गया होगा, मैं जाकर देखती हूं कि उसने कुछ खाया है या नहीं। ये कहकर दिव्या काफी मुश्किल से उठने की कोशिश करती है। आउच! उसकी पूरी बॉडी में जगह जगह घाव होने की वजह से बहुत दर्द हो रहा है, मगर फिर भी वो लड़खड़ाते हुए कदमों से अपने कमरे से निकलकर बाहर हॉल तक आ जाती है। मगर बाहर आने के बाद भी उसे वहां पर कोई दिखाई नहीं देता, ना ही यहां पर निकिता है और ना ही विशाल। ये दोनों आखिर कहां चले गए? पूरे घर में किसी के सांस लेने की भी आहट सुनाई नहीं दे रही है और ये सब देखकर दिव्या बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है कि तभी अचानक से उसे कुछ खटपट की आवाज आती है। वो पीछे मुड़कर देखती है तो निकिता विशाल के कमरे से बाहर आ रही है। उसने एक डीप नेक शॉर्ट ड्रेस पहनी है जिसमें वो बहुत ज्यादा हॉट लग रही है। उसकी पूरी बॉडी पसीने से तरबतर है और उसके बाल बिखरे हुए हैं। वो अपने पसीने साफ करती हुई बाहर आती है और तभी अचानक से दिव्या को उसकी फैली हुई लिपस्टिक नजर आती है। मैं यहां विशाल के खाने के बारे में सोचकर परेशान हो रही थी और वो निकिता के साथ ये सब देखकर दिव्या का दिल टूट जाता है। अरे दिव्या, तुम कब उठी? निकिता के चेहरे पर एक अलग तरह की लाली छाई हुई है। उसका चेहरा शर्म से लाल हो चुका है और उसकी सांसें तेज चल रही है। बस अभी अभी, दिव्या ने मुश्किल से अपने आप को संभालते हुए जवाब दिया। अच्छा चलो तुम आराम करो, मैं अभी आती हूं। ये कहकर निकिता शर्माते हुए वहां से चली गई और दिव्या उसे वहां से जाते हुए देखती रह गई। तभी अचानक से विशाल अपने कमरे से निकलकर बाहर आया। दिव्या ने देखा कि उसने अपनी बॉडी पर सिर्फ टॉवल लपेटा हुआ है। ये सब क्या हो रहा है विशाल? ये निकिता तुम्हारे कमरे में क्या कर रही थी? दिव्या ने गुस्से में विशाल से सवाल जवाब करने शुरू कर दिए। ये तुम क्या बोले जा रही हो? उसे तो बस शैंपू चाहिए था और मैं नहाने गया हुआ था, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। और तुम यहां पर क्या कर रही हो? तुम्हें तो डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है ना, तो तुम यहां पर कैसे आ गई? वो मैं, दिव्या विशाल के सवाल का जवाब नहीं देना चाहती। विशाल की हरकतों की वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। ये वो मैं कुछ नहीं, जाओ जाकर आराम करो। और आज रात तुम्हें होटल राजमहल भी नहीं जाना, आज रात तुम सिर्फ अपने कमरे में आराम करोगी, मैं और निकिता होटल चले जाएंगे, विशाल ने दिव्या से कहा। जब दिव्या ने यह सुना कि विशाल और निकिता अकेले होटल जाएंगे तो वो गुस्से से आग बबूला हो गई और उसने नाराज होते हुए कहा,
मैं कहां जाऊंगी या कहां नहीं, इसका फैसला सिर्फ मैं करूंगी। और मैं आज रात होटल राजमहल जरूर जाऊंगी। तुम मेरे बॉस नहीं हो, इसलिए मुझ पर हुक्म चलाना बंद करो। लेकिन दिव्या, मैं तो बस तुम्हारे लिए ये कह रहा था, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? विशाल ने हैरानी से दिव्या की तरफ देखते हुए पूछा, मगर दिव्या ने उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और कहा, मैं कुछ देर में तैयार होकर आ जाऊंगी। और इतना कहकर वो मुड़कर वहां से जाने लगी। वो अभी अपने कमरे के दरवाजे पर ही पहुंची है कि तभी उसे वहां पर निकिता मिल गए। निकिता को वहां पर देखकर दिव्या ने उससे पूछा, तुम यहां पर क्या कर रही हो? मैं यहां पर तुमसे कुछ पूछने के लिए आई थी। तुम्हें इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि मैं विशाल के कमरे में थी या नहीं? वो तुम्हारा लगता कौन है? निकिता के चेहरे पर इस वक्त एक बड़ी सी स्माइल है, जैसे वो जानबूझकर दिव्या को उकसाने की कोशिश कर रही हो। मगर इसके बावजूद भी दिव्या ने निकिता के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और अपने कमरे में जाकर अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। कुछ ही देर में वो तैयार होकर बाहर आ गई और जैसे ही घड़ी में 11 बजे वो और विशाल तुरंत अपने आप होटल राजमहल पहुंच गए। होटल राजमहल पहुंचते ही दिव्या ने देखा कि निकिता ने विशाल का हाथ पकड़ा हुआ है और वो भी उनके साथ होटल पहुंच गई है। इससे पहले कि दिव्या कुछ कह पाती, उन सब की नजर होटल के हॉल में पड़ते ही वो सब लोग हैरान रह गए। तो क्या होगा अब होटल में आगे? कि निकिता जानबूझकर विशाल और दिव्या में गलत फहमियां बढ़ाने की कोशिश क्यों कर रही है? आखिर निकिता का मकसद क्या है? होटल के हॉल को देखकर सब लोग चौंके क्यों? क्या कोई नई आत्मा सामने आने वाली है? जानने के लिए सुनिए होटल राजमहल, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।